दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगा अपना जो ड्राइविंग टेस्ट होता है ये किस प्रकार से होता है इस जगह पर हम लोगों ने इंग्लिश का आठ यानी एट को बना लिए है फिलहाल के अपडेट पर ज़्यादातर आर ऑफिस पर इस प्रकार का ही स्किल टेस्ट लिया जाता है ड्राइविंग टेस्ट के लिए मतलब इंग्लिश का एट रहता है और एक साइड में आप लोगों को एंट्री करना पड़ता है उसके बाद बराबर एट जैसा घूमना पड़ता है ठीक है मतलब अगर आप लोग यहाँ से घूमेंगे तो इस साइड से सीधा एट को फॉलो करते हुए अपना बाइक या फिर स्कूटी लेके घूमना पड़ेगा और इधर से एग्जिट होगा मतलब यहाँ पे दो दो रहता है एक एंट्री का एक एग्ज़िट करने का ठीक है अभी अलग अलग आर टी ऑफिस पर अलग अलग डिरेक्शन होता है मतलब अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है लेकिन ये जो इंग्लिश का एट होता है ज़्यादातर आर टी ऑफिस पर इंग्लिश का जो एट है इसके ऊपर ही आप लोगों को अपना बाइक घुमाना पड़ता है मतलब राइड करना पड़ता है और मैं आप सबको बता दूं अगर आप लोग एइट जैसा राइड करेंगे एइट के ऊपर सो अपना बाइक का स्पीड जितना हो सके कम पर रखना है मैं जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए गया था मेरा बाइक का स्पीड वही पाँच से दस के अंदर था ठीक है मैं बाइक का लाइसेंस किया हो मतलब मोटरसाइकिल विथ गियर का यहाँ पर एक चीज मैं आप सबको बता दूं अगर आप लोग अपना बाइक के लिए लाइसेंस बनाते हो मतलब मोटरसाइकिल उथ गियर का तो उस स्थिति में अगर अपना गाड़ी का गियर संख्या चार है सो तो आप लोगों को सेकेंड गियर पर चलना पड़ेगा और कैसे अगर अपना गाड़ी का गियर संख्या पांच है तो भी आप लोगों को सेकेंड गियर पर चलना पड़ेगा लेकिन दोस्तों अगर अपना गाड़ी का गियर संख्या छे है जैसा कि अभी का जो के आ रहा है जो एम आ रहा है उसमें क्या होता है छ छ गियर होता है तो उस स्थिति में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग उसको दो पार भी चला सकते हो तीन गियर पर भी चला सकते हो ठीक है लेकिन मेरा सजेशन मानेंगे तो मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन नहीं करूंगा अगर अपना गाड़ी का गियर चार है या फिर पांच है या फिर छह है जो भी हो आपको सेकेंड गियर पार ही राइड करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी का जो स्पीड है पांच से दस के बीच में होता है सो तो अगर आप लोग थर्ड गियर लगाएंगे या फिर फोर्थ गियर लगाएंगे हो सके अपना गाड़ी बीच में ही बंद हो जाएगा सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है अगर अपना गाड़ी बीच में बंद हो जाता है तो उस स्थिति में आप पास नहीं होते हो बल्कि आप फेल हो जाते हो उस इसके अलावा जब आप लोग एट जैसा राइड कर रहे हो ठीक है अगर अपना पैर जमीन पे आ जाता है मतलब आप बाइक के ऊपर हो राइड कर रहे हो उस स्थिति में अगर अपना पैर जमीन में आ जाता है या फिर जमीन को टच कर लेते हैं उस स्थिति में भी आप फेल हो जाते हो सो तो आपको बाइक में एक बार बैठना है एंट्री करना है पूरा एट फॉलो करते हुए घूमना है उसके बाद सही ढंग से, से एग्जिट करना है एग्जिट करने के बाद लास्ट में क्या होता है इसी जगह पर एक सिग्नल रहता है ठीक है अभी वो अलग अलग आर ऑफिस पर अलग अलग चीज़ें होता है ठीक है किसी आर ऑफिस पर कोई लोग खड़ा रहता है अगर हाथ दिखाएगा तो आप लोगों को रुकना है और अगर ऐसे खड़ा रहता है या फिर जाने के लिए बोलते हैं तो उस स्थिति में आपको जाना है कुछ कुछ आर ऑफिस पर ट्रैफिक का सिग्नल मतलब वही ऑरेंज ग्रीन और रेड का रहता है तो उस हिसाब से सिग्नल के मुताबिक आप लोगों को जाना पड़ेगा या फिर रुकना पड़ेगा सो ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं आसान टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं अपना गाड़ी को जो की है सेकंड गियर पर ही रखना है स्पीड जो कि है पाँच से दस के अंदर ही रखना है अगर आप लोग मोटरसाइकिल हुई तो गियर का लाइसेंस बना रहे हो इस प्रकार से घूमना है और हाँ घर में कम से कम आप चार पाँच दिन का प्रैक्टिस कीजिए कम से कम हो सके एक महीना दो महीना जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है लेकिन कम से कम चार से पाँच दिन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ये एड वाला प्रैक्टिस ठीक है और गैस अगर आप लोग स्कूटी का लाइसेंस बना रहे हो सो सेम ही चीज़ है बस स्कूटी में गियर नहीं होता है बाकी का जो स्किल टेस्ट होता है वो बिल्कुल सेम ही रहता है Hello, See, ah. दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट के समय बहुत सारा चीज को ध्यान में रखना पड़ता है लेकिन कुछ विजेबल चीजें मतलब जिसको देखा जा सकता है उसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि जब आप लोग अपना स्किल टेस्ट देने के लिए एंट्री कर रहे हो उस स्थिति में आप लोगों के पास अपना हेलमेट होना चाहिए मतलब आप लोग हेलमेट पहन के टेस्ट देंगे उसके अलावा अपना शू भी होना चाहिए अभी मैंटरी नहीं है कि इस प्रकार का डिजाइन शू चलेगा मतलब किसी भी प्रकार का शू होना चाहिए साथ में अपना गाड़ी का जो नंबर प्लेट है पीछे की तरफ भी होना चाहिए और सामने की तरफ भी अपना गाड़ी का नंबर प्लेट होना चाहिए